तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई? विग बैसलिंग तो अगर एक तरफ ब्लास्ट कर ही रहा है और उधर के सीजन के बारे में, मैं प्लेयर्स के बारे में बता ही रहा हूँ। जिन प्लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, सारे के सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, तो इंडिया और श्रीलंका का T20 ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि इंडिया ने तीन तीन मैचों की सीरीज में दो को अपने नाम करके सीरीज को अपने नाम किया। और वहाँ भी हमने जिन प्लेयर्स के बारे में बताया था, उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। ऐसे में अब जो इंडिया का श्रीलंका के साथ है, मतलब श्रीलंका का इंडिया में जो टूर है, जिसमें कि तीन एक दिवसीय मैच खेले जाने वाले हैं, ODI मैच खेले जाने वाले हैं, जिसमें कि आज जो मैच होने वाला है वो पहला मैच है। और इस मैच की अगर बात की जाए ना, तो ये जो वेन्यू है, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाने वाला है। मतलब ODI का जो पहला मैच है वो बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाने वाला है। और इस स्टेडियम की अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 324 के आसपास बनते नज़र आता है। लेकिन अगर वहीं अगर टेम्परेचर की बात की जाए, तो यहाँ का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, और फ्यू क्लाइट हल्के से बादल छाए रहेंगे इस पिच पे। हालांकि खेल होते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन अगर वहीं अगर पिच बिहेवियर की बात की जाए, तो पिच बिहेवियर का अगर स्ट्रॉन्ग लाइनअप देखा जाए, तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। अगर साथ ही साथ अगर बॉलिंग से अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ये पेसर्स का पिच नहीं है, स्पिनर का पिच है। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाएगा कि आज का जो मैच होने वाला है, उसमें स्पिनर अपने बॉल से चहलकदमी करते नजर आएंगे। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए ना, तो भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल है, अक्षर पटेल है, और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर है, जो अच्छा करते नजर आएंगे। अगर वहीं श्रीलंका की तरफ से अगर बात की जाए, तो बहाव हसरंगा है और सना है, जो अपनी बॉल से बैट्समैन को चकमा देते नजर आएंगे। अगर बात की जाए टॉस जीतने वाली टीम की, तो टॉस विनर ऑप्ट टू बॉलिंग फर्स्ट, मतलब जो टीम टॉस जीतती है उसका टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे और चेस करते हुए मैच को जीत ले। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए, तो ज़्यादातर जो टीम चेस करती है, वो टीम ज़्यादातर मैचों को अपने हाथ अपने नाम करती है। तो ऐसे में जो टीम टॉस जीतेगी, उसकी निगाहें रहेंगी कि पहले बॉलिंग करे, और टॉस जीतते ही जो टीम होगी बॉलिंग करके कोशिश करेंगे कि जितना कम स्कोर हो सके सामने वाले टीम को खड़ा करने दिया जाए, ताकि आसानी से इस मैच को जीता जाए। बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिसेंट फॉर्म के बारे में, कि वर्तमान में अभी इंडिया और श्रीलंका के जो की जो टीम है, पिछले 2 साल के अंदर कितने ODI मैच खेले हैं और क्या परफॉर्मेंस रहा है। दोनों टीमों ने अभी वर्तमान में कितने रिसेंट में एक दिवसीय मैच खेले हैं और क्या इसका परिणाम रहा है। तो अगर भारत की अगर बात की जाए ना, इंडिया की बात की जाए, तो पहला मुकाबला जो इंडिया ने खेला था उसमें मैच विन हुआ था। उसके बाद दो मुकाबले को लगातार हारा था, लेकिन उसके बाद 2 मैच जो ऐसे हुए थे जो कि मैच कैंसिल हो गया था। वहीं अगर श्रीलंका की बात की जाए ना, तो 1 मैच उन्होंने भी जीता, श्रीलंका की टीम ने भी जीता था, दूसरा नो रिजल्ट रहा था। और उसके बाद 2 मैच हारा, उसके बाद 1 मैच जीता। मतलब 5 मैचों में श्रीलंका ने 2 मैच जीता हुआ है, 2 लॉस किया है, 1 का रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन भारत ने 5 मैचों में 1 जीता है, 2 लॉस हुआ है, और 2 का रिजल्ट ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि आमने सामने भारत और श्रीलंका की टीम ने कितने मैचेस खेले हैं और क्या कुछ रिजल्ट रहा है। अब अभी इंडियन प्लेयर्स की अगर ODI के स्टेटस की अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो जितने भी स्क्वाड जो इंडिया की तरफ से दिया गया है, जो भी खिलाड़ियों का नाम दिया गया, उन सभी के बारे में हम डिटेल्स बताते हैं कि पिछले 5 मैच में ड्रीम टीम में आखिर उनका क्या पॉइंट रहा है और रिसेंट में उनका क्या फॉर्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में KL राहुल है, और KL राहुल की अगर बात करते हैं, तो KL राहुल ने वर्तमान में जो पीछे मैच खेला उसमें 13 पॉइंट किया है ड्रीम टीम में, उससे पहले 24 पॉइंट किया है, उससे पहले 104 किया, 45 किया और 5 किया है। अगर 5 मुकाबलों की अगर पॉइंट की अगर बात की जाए, तो 5 मुकाबला में 1 मुकाबला ऐसा है जहां पे अच्छा पॉइंट करते नजर आए हैं और 1 में एवरेज पॉइंट किया है। ऐसे में अगर देखा जा रहा है, तो ODI में जो KL राहुल का स्टेटस है, कुछ बेटर नहीं जा रहा है। हालांकि आज के मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, मैंने KL राहुल के बारे में बता दिया कि 5 फॉर्म कैसा रहा है। अगर ईशान किशन की अगर बात करते हैं, तो ईशान किशन की पिछले 5 फॉर्म को अगर देखा जाए, तो पिछले 5 फॉर्म में पिछला फॉर्म इन तक काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रहा था, जिसमें कि इन्होंने 272 पॉइंट ड्रीम टीम में बनाया था। उससे पहले 16 पॉइंट था, 121 था, 27 था, 76 था। ओवरऑल अगर देखा जाए, तो 1 मैच के बाद 1 मैच लो जाता है, दूसरा मैच बढ़िया जाता है, ये लो गया है और ये भी बढ़िया है। ऐसे में अगर अभी के मैच की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, अगर देखा जाए, तो 76 के बाद 27, 27 के बाद 121, 16, 272। आज का जो मैच होने वाला है, इसमें हल्का पॉइंट कम करते नजर आएंगे इस रेशियो के हिसाब से। लेकिन अगर रिसेंट फॉर्म की अगर बात की जाए, तो पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैच में 2 में इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट रहा है। अब वहीं अगर विराट कोहली जो बैट्समैन है, उनकी बात कर ली जाए 5 मैचों की, तो पिछला जो इनका पॉइंट था 144 पॉइंट ड्रीम टीम का था, उससे पहले 10 था, 22 था, 32 था, 23 था। हालांकि विराट कोहली का काफ़ी समय से फॉर्म खराब चल रहा था, लेकिन वर्तमान में उनका फॉर्म अच्छा हो चुका है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी के बारे में कुछ कहना मतलब गलत ही होगा, क्योंकि अभी जो विराट कोहली का फॉर्म चल रहा है, ऐसे में अच्छा करते नजर आएंगे। पिछला मैच इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा था। उसके बाद हम सूर्या कुमार यादव की बात कर लेते हैं। पूरा वर्ल्ड पटल पर अपने नाम को लोगों के
लोगों के दिलों पे अपने नाम से लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो इनकी अगर ओडीआई स्टेटस की बात की जाए तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इनका पिछला मुकाबला 66 पॉइंट था, उससे पहले 4 पॉइंट किया है इन्होंने, 22 किया है, 5 किया है, 23 किया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए ना तो T20 ब्लास्ट के लिए सूर्या कुमार यादव परफेक्ट चूज होगा, लेकिन ओडीआई में इनका स्टेटस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में अगर सूर्या कुमार यादव की बात की जाए तो हमारा जो मानना है कि आज के मैच में सूर्या कुमार यादव फ्लॉप होंगे, तो ऐसे में आप टीम में सूर्या कुमार यादव को ना लें। उसके बाद बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर की अगर बात करते हैं ना, तो पिछला 5 मुकाबला में, पिछले मुकाबले में 7 पॉइंट किया था, उससे पहले 102 किया था, उससे पहले 30 किया था, 61 किया था, 4 किया था। इनका भी अगर फॉर्म को देखा जाए ना तो 4 के बाद 61 अच्छा खासा पॉइंट किया था, उसके बाद 30, उसके बाद 102, 7, तो एक के बाद एक मैच में अच्छा करते नजर आते हैं। ऐसे में पिछला मुकाबला में मात्र 7 पॉइंट किए हैं, तो हो सकता है कि इस वाले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत के कैप्टन रोहित शर्मा की। तो उन्होंने पिछला मुकाबला में 78 पॉइंट किया था, उसके बाद 45, उसके बाद 33, उसके बाद 1 और 105, मतलब 5 में से 4 मुकाबलों में इनका जो पॉइंट है लगभग अच्छा ही है। और बात कर लेते हैं उसके बाद शुभम गिल की। शुभम गिल का देखा जाए तो पिछला मुकाबला में 19 पॉइंट करते नजर आए थे, उससे पहले 4 मुकाबलों में 57, 65, 61 और 39। तो ऐसे में इनका एवरेज पॉइंट है ड्रीम टीम के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तो आप अपने टीम में इनको ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। तो पिछला मुकाबला में इन्होंने 221 पॉइंट किया था ड्रीम टीम के लिए, उससे पहले 85 और 4 तीन ही मुकाबले खेले, जिसमें 2 में इनका पॉइंट काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसे में इनका सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की, जो कि भारत के स्पिनर है, लेग स्पिनर। तो पिछला मुकाबला में 87 पॉइंट किया था, उससे पहले 74, 89, 52, 107, मतलब 5ों के 5 में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। और इस पिच की अगर बात की जाए ना तो ये पिच ही स्पिनर्स का है। ऐसे में पिच पे अपने बॉल से चहलकदमी करते और बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आएंगे अक्षर पटेल। तो ऐसे में जो अक्षर पटेल का सिलेक्शन है ना वो बिल्कुल होना ही चाहिए और होगा ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं वाटिंगरन सुंदर की। तो इनका जो 5 फॉर्म रहा है तो 84, 101, 83, 66 और 4 पॉइंट करते नजर आए, मतलब दोनों ही स्पिनर ने अपने बॉल से कमाल किया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शंस की। तो बॉलिंग सेक्शंस इनका बैटिंग भी काफ़ी अच्छा पॉइंट करता है और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा पॉइंट करता है, चूंकि ऑलराउंडर है तो ये तीनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय टीम के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। तो मोहम्मद शमी है, जिन्होंने तीन मैच खेले हैं, तीन मैच में पहला 4 पॉइंट किया है, 64 किया है, 89 किया है, तो लगभग एवरेज पॉइंट है। हालांकि आज के मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज की अगर बात करें तो पिछला 5 फॉर्म को अगर देखा जाए तो 45, 70, 121, 58 और 109 पॉइंट करते नजर आए हैं, तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और उम्मीद है कि इस मैच में भी इनको मौका मिलेगा और अच्छा करते नजर आएंगे। अक्षदीप सिंह की बात की जाए तो ओडीआई स्टेटस इनका अच्छा नहीं है, 3 मुकाबले खेले, 3 में 1 में 21 पॉइंट किया है, बाकी 2 मुकाबला ऐसे ही व्यर्थ ही चला गया इनका। उसके बाद तो ऐसे में हो सकता है कि आज के मैच में अक्षदीप को भी जगह ना मिले। युजवेंद्र चहल की अगर बात की जाए, हालांकि इनका भी परफॉर्मेंस ओडीआई में अच्छा नहीं है, एक ही मुकाबला अच्छा रहा है, 12-4-4, 108 और 27, अच्छा नहीं रहा है, लेकिन स्पिनर पिच है तो हो सकता है कि इनको चांस दिया जाए। उसके बाद भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक की अगर बात की जाए तो 5 मैचों में 78, 70, 29, 4 और 54 का पॉइंट करते नजर आया है। ऐसे में इनका अगर देखा जाए तो 3 मुकाबला ऐसा रहा है कि जिसमें ड्रीम टीम का पॉइंट करते नजर आया है। ऐसे में उमरान मलिक को आज के मैच में देखा जाएगा और इनका सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। कुलदीप यादव की अगर बात कर ले तो 44, 136, 29, 37 और 58 पॉइंट करते नजर आए, तो इनका भी एवरेज अच्छा है। चूंकि स्पिनर का पिच है तो सभी बॉलर्स स्पिनर काफ़ी अच्छा करेंगे। अब हमने भारत के जो प्लेयर्स हैं उनकी बात कर ली, और संभावित जो टीम है इसमें 2-3 प्लेयर्स को नहीं मिलेंगे, बाकी इन्हीं लोगों में से सबको मौका मिलेगा खेलने के लिए। अगर जिनको मौका नहीं मिलेगा उनका अगर देखा जाए तो शमी पे डाउट लग रहा है, अक्षदीप सिंह पे डाउट लग रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा चहल पे डाउट लग रहा है। ये 3 प्लेयर्स ज़्यादातर चांसेस है कि खेलने को नहीं मिले इनको पहला मुकाबला। ऐसे में अगर बात की है तो 3-3-6, 3-9, 3-12, 3-15, 1-16, 3 3 प्लेयर्स वो है, और 2 प्लेयर किसी और को भी नॉकआउट किया जा सकता है और बाकी 11 टीम खेलेंगी इसी में से। तो आप परफॉर्मेंस देख ले और इसके बेस पे आप देख ले कि ओडीआई में आज का जो सिलेक्शन होगा किसको सिलेक्ट किया जाए ताकि अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन अगर सूर्या यादव की बात की जाए ना तो आज मेरा मानना है कि आज की टीम में सूर्या कुमार यादव फ्लॉप होंगे। ऐसे भी इनका हर पहला मुकाबला फ्लॉप ही जाता है किसी भी सीरीज का, तो ऐसे में आज मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि सूर्या यादव को अपनी टीम में रखें। आप स्मॉलिंग में तो रखें, आप स्मॉलिंग में इनको ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स की। तो श्रीलंका के जितने भी प्लेयर्स ने ओडीआई खेला है उन सभी का डिटेल्स इस पर दिया हुआ है। हालांकि लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हैं
जो कि हो सकता है तो खेल सकते हैं। ऐसे में अगर उनकी ओडीआई स्टेटस की अगर बात की जाए तो रिसेंट में उन्होंने कोई ओडीआई मैच नहीं खेले है। जिनके प्लेयर्स ने ओडीआई मैच खेला है मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ, बाकी जो नहीं खेले हैं उनको आप अपने स्तर से अगर लाइनअप होता है तो आप उसमें अपने स्तर से चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर कौशल मेंडिस की। तो इनका जो रिसेंट 5 मैचों में फॉर्म रहा है, पहले में 95, उससे पीछे 14, उससे पीछे 33, 33 और 21, अगर देखा जाए एवरेज तो एक मैच में इन्होंने अच्छा खासा पॉइंट किया है, बाकी ओडीआई के स्टेटस से पॉइंट अच्छा नहीं है, क्योंकि 50 प्लस का पॉइंट ही ओडीआई में ज़्यादा बेटर माना जाता है। अब वहीं बैट्समैन की अगर बात की जाए तो सनाका है, डी सनाका की अगर देखा जाए, डी सनाका को अगर देखा जाए तो 66, 4, 22, 5, 33, मतलब 5 मैचों में सिर्फ एक मैच में इन्होंने अच्छा पॉइंट किया है। इस स्तर से आज के मैच में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ करने वाले हैं, हालांकि श्रीलंका के कैप्टन हैं, लेकिन आज का मैच में मैं नहीं कहूंगा कि आप इनको रखें। उसके बाद पैंथम निशंका की बात कर लेते हैं। पैंथम निशंका की अगर बात करते हैं तो रिसेंट में उन्होंने 58 पॉइंट किया है ड्रीम टीम के लिए, उससे पहले 7, 105, 22 और 19, मतलब दो मैचों में अच्छा खासा पॉइंट किया है। उसके बाद अगर चरित्र श्रीलंका की बात की जाए तो रिसेंट में जो पीछे मैच खेले उसमें 106 पॉइंट करते नजर आए हैं, उससे पहले 12, 14, 27 और 144, मतलब 5 में से 2 मुकाबला ऐसा रहा जिसमें इन्होंने अच्छा खासा पॉइंट किया है, बाकी का पॉइंट कुछ खास नहीं है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में अगर धनंजय डी सिल्वा की बात की जाए तो इनका जो रिसेंट फॉर्म है 43, 47, 23, 143 और 74, मतलब 5 मैचों में 4 में अच्छा खासा पॉइंट करते नजर आए हैं, इस लिहाज से टीम में होना इनका बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के सी करुणारत्ने की, तो उनका जो रिसेंट फॉर्म है 95, 83, -2, 113 और 12, मतलब 5 मैच में 3 में इन्होंने अच्छा खासा पॉइंट किया है, एक में माइनस में चले गए थे, एक में 12 पॉइंट किया है, तो इनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद बहाव असरंगा की अगर बात की जाए तो इनका 5 का 5 जो मुकाबला है सब में अच्छा खासा पॉइंट करते नजर आए हैं, 56, 39, 170, 55, 175, हालांकि पिछले 2 साल के अंदर 3 मैच खेले जिसमें कि 56, 39, 170 पॉइंट करते नजर आए, तो इस लिहाज से इनका भी पॉइंट अच्छा ही है। उसके बाद एक प्लेयर्स है डी वेनले, उनका अगर बात किया जाए तो ओडीआई में 41, 102, 48, 37 और 85 पॉइंट करते नजर आए हैं, 3 मैचों में अच्छा खासा पॉइंट किया है, 2 में एवरेज रहा है। उसके बाद बॉलर सेक्शन की अगर बात किया जाए तो के रजयता है, जिन्होंने अभी वर्तमान में T20 सीरीज भी खेला, उसमें भी एक मैच में नहीं चले थे, बाकी 2 मैच में पॉइंट करते नजर आए। अगर इनका ओडीआई स्टेटस देखा जाए रिसेंट में तो 3 ओडीआई मैच इन्होंने खेला है जिसमें पहले में 87, 91 और 39 पॉइंट करते नजर आए हैं, तो बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं अगर महेश टिकसाना की अगर बात की जाए तो स्पिनर है और ये पिच स्पिनर्स का है तो अच्छा करते नजर आएंगे, हालांकि 5 फॉर्म को देखा जाए तो पिछले वाले मुकाबले में 10 पॉइंट किया है, उससे पहले 82, 32, 64 और 43 पॉइंट करते नजर आए हैं। लहिरू कुमारा की अगर बात की जाए तो 2 मैच खेला है, 58 और 29 पॉइंट करते नजर आए हैं। पी मधुसूदन की बात करें तो 1 मैच खेला है, 40 पॉइंट करते नजर आए हैं। जेब इंदस्वरी ने 5 मैच खेला है जिसमें 8, 78, 79, 15 और 49, मतलब 5 में 3 में अच्छा खासा पॉइंट करते नजर आए हैं। तो ये तो प्लेयर्स की बात की गई, लेकिन अगर इस पिच पे अगर इंडिया के बैट्समैन की अगर बात की जाए ना तो रोहित शर्मा और विराट कोहली इस पिच पे अच्छा खासा पॉइंट करते नजर आते हैं, और विकेट की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी अच्छा विकेट लेते नजर आते हैं, साथ ही साथ युजवेंद्र चहल अच्छा खासा विकेट निकालते हैं, उनके साथ साथ रविंद्र जडेजा अच्छा विकेट निकालते हैं, लेकिन अभी वो लाइनअप में नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए युजवेंद्र जडेजा को छोड़ दिया जाए। युजवेंद्र चहल पे लोगों की निगाहें थोड़ी कम होगी, ऐसे में मेरा कहना है कि अगर आप ग्रैंडलिंग लगा रहे हैं तो युजवेंद्र चहल पे फोकस करें, क्योंकि विकेट निकालते नजर आएंगे। बात कर लेते हैं अपने ड्रीम टीम के बारे में कि आज का जो हमारा टीम होगा वो किस प्रकार से होगा, तो चलिए चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन के अकाउंट पे। तो सॉरी फ्रेंड्स, कहते हुए थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, चूँकि लेकिन कहना पड़ रहा है कि आज जो हमारा नेट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से हमारा ड्रीम इलेवन अकाउंट खुल नहीं रहा है, तो आज हम आपको टीम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारा जो फाइनल टीम होगा वो हमारे टेलीग्राम पे जरूर आएगा। तो ऐसे में आप अगर हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमारा फाइनल टीम आता है और बेस्ट टीम आता है, जिससे कि बहुत सारे हमारे जो यूज़र्स हैं उन्होंने अच्छा खासा विन किया है। तो अगर आपको भी अच्छा खासा विन करना है, एनालिसिस देखनी है, पिच के बारे में जानना, सॉरी आपको अगर देखना है कि कौन सी टीम बना करके अच्छा खासा विन किया जा रहा है, तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े और फाइनल टीम ले।